नमस्कार दोस्तों स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है यदि आप कम्पटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें इट्स मी रंजित कुमार यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग फाइव ए एम को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एक जुलाई दो यानी आज आज का पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबों को बता दूं प्रत्येक दिन के भांति आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछा हो जो जे एस एस सी एवं जेपीएससी जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा तो उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है नई जिंदगी की नई पाठशाला नामक लघु फिल्म किस जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है ऑप्शन है फ्रेंड्स पश्चिमी सिंहभूम रांची दुमका और पूर्वी सिंहभूम तो बता दो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स पश्चिमी सिंहभूम यानी नई जिंदगी की नई पाठशाला नामक लघु लघु फिल्म पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है चलिए इस संदर्भ में थोड़ा एक्सप्लानशन देख लेते हैं तो फ्रेंड्स बता दूँ नई जिंदगी की नई पाठशाला कोविड नाइन्टीन से संबंधित जागरूकता पर आधारित एक लघु फिल्म है जो पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया इस फिल्म के लेखक एवं डायरेक्टर जितेंद्र ज्योतिषी हैं नई जिंदगी की नई पाठशाला एक अच्छी फिल्म है कोविड नाइन्टीन के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए अच्छी है मैं कल ही देखा इसे पूरी तरह देखा बारह मिनट का यह फिल्म था आप अपने गांव वगैरह में रहने वाले लोगों के बीच में इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनमें कोविड नाइन्टीन के संदर्भ में जागरूकता फैल सकता है क्योंकि इस इस फिल्म में बताया गया कि आप कोविड नाइन्टीन के बाद अब का जो दौर है उसमें कैसे लाइफ जीना है दिस दैट वगैरह आप इसे देखिए ठीक है चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं मेरा कोशिश होता है कि मैं प्रत्येक वीडियो में एक जिले को कवर कर लूं यानी एक जिले के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं क्योंकि जे जिलों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है तो आज का आंसर था पश्चिमी शिवभूम दोस्त तो चलिए देखते हैं पश्चिमी सिंबभूम के बारे में तो आपको बता दूँ कोल्हान परमंडल के इस जिले का गठन उन्नीस में हुआ था और पूर्वी सिंह और पश्चिमी सिंह में दो जिले बने थे और ये दोनों जिले उन्नीस में बने थे आगे बता दूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से यह झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला है साथ ही लिंगानुपात के मामले में भी इस इस जिले का लिंगानुपात झारखंड में सबसे ज़्यादा है और वह कितना है फ्रेंड तो एक हज़ार पाँच है अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम का है तो आप हमें बताइए कि सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है ठीक है मैं पिछले वीडियो में वह बता चुका हूँ देखता हूँ आपको याद है या नहीं आगे बता दूँ वैतरणी नदी कारो नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी इसी जिले से बहने वाली इस जिले से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की प्रमुख जलप्रपात जो है फ्रेंड्स तो हिरनी जलप्रपात है और लुपुंगटू जलप्रपात है तो यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिरनी जलप्रपात एवं लुपुंगटू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है तो पश्चिमी सिंहभूम महादेवशाला मंदिर और बेनी सागर मंदिर यहाँ स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है या धार्मिक स्थल है ठीक है चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हाल ही में झारखंड के खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर के ही एक खिलाड़ी अतनु दास के साथ विवाह किए आप बताएं यह दोनों किस खेल से जुड़े हुए तो आप सबों को पता है फिर भी मैं इसे ऐड किया हूँ ताकि जिन्हें नहीं पता है उनका रिविजन हो जाए तो ये दोनों फ्रेंड्स तिरंदाजी खेल से संबंधित हैं अतनु दास एवं दीपिका कुमारी आगे मैं बता दूं झारखंड की गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी राजधानी रांची की रहने वाली हैं तथा अतनुदास पश्चिमी पश्चिम बं, बंगाल के कोलकाता शहर के रहने वाले तो ये बात भी याद रखिए प्रश्न बन सकता है कि अतनु दास किस राज्य के रहने वाले हैं ऑप्शन अगर झारखंड रहेगा तो लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं आगे मैं बता दूँ वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हमारे ही झारखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा हैं जो केंद्रीय आदिवासी मामलों के भी मंत्री हैं तो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है श्री अर्जुन मुंडा आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स फूल विद्रोह में सिद्धू कानू चांद भैरव के अलावे उनकी बहन का भी काफ़ी सहयोग था तो बताइए उनकी बहन का नाम क्या था यह भी प्रश्न बन सकता है कुछ भी प्रश्न बन सक बन सकता है जे कभी कभी वैसे प्रश्न को भी ले आता है जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स फूलो हैं झानो हैं उपरोक्त तो दोनों हैं और उपरोक्त तो में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों फूलो और जानो ये दोनों बहनें थीं जिन्होंने हुल विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था हुल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहा जाता है और यह कब तो 30 नवंबर 30 जून 1855 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था आगे बता दूँ संथाली भाषा में हुल का अर्थ होता है विद्रोह और तीस जून अठारह को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध के दौरान फूलों और झानों ने मिलकर 21 अंग्रेजों की हत्या की थी आगे बता दूं कार्ल मार्क्स ने होल विद्रोह को भारत का पहला संगठित जन युद्ध कहा था और इस विद्रोह के फलस्वरूप ही अठारह का भारत की प्रथम आज़ादी की क्रांति हुई थी जनसंख्या के अनुसार संथाल संथाल का बात आ रहा है फ्रेंड्स तो जनसंख्या के अनुसार संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है दूसरी जनजाति उराव है और तीसरी जनजाति कौन है फ्रेंड तो मुंडा है फ्रेंड्स यदि आप संथाल जनजाति के बारे में और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे सुभाष सर के द्वारा एक ऑलरेडी बेस्ट वीडियो बन चुका है संथाल जनजाति की उसमें विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम भी किए गए हैं और उसे अच्छे से एलोबरेट किया तो आप संथाल जनजाति के बारे में जानने के लिए स्क्रीन के दाई तरफ आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या इसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे रखा हूँ तो यहाँ से आप इसे इसे देख सकते हैं आगे मैं बता दूँ यदि आप इस वीडियो का पी चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए वहाँ पे आपको डेली मॉर्निंग 5 ए एम को इसका पीडीएफ मिल जाएगा आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स दसवीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा ऑप्शन है फ्रेंड्स पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा रांची और चलिए एक और ऑप्शन रख देते हैं दुमका क्योंकि दो बार ऑप्शन सिमडेगा रखा गया है ठीक है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको बता दूँ सिमडेगा है सिमडेगा शहर में दसवीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा सिमडेगा की बात हो गया फ्रेंड्स मैं बता दूं सिमडेगा को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है और सिमडेगा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और यह जनसंख्या घनत्व कितना है तो 159 है अच्छा मैं बता दूं सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का है तो आप बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है अच्छा इस वीडियो के पहले पार्ट में भी हमने एक प्रश्न पूछा था और यहाँ भी मैं पूछा हूँ कि झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो क्या है तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर सेम है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए चलिए फ्रेंड्स आगे मैं बता दूँ यदि आप सिमडेगा जिले के बारे में उनका उसका गठन सिमडेगा में क्या क्या चीज़ें खास हैं उसका इतिहास जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर सिमडेगा का भी एक सेपरेट वीडियो बन चुका है तो आप उसे भी चैनल पर भी चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पिछले वीडियो में ही मैं बताया था फ्रेंड्स कि आपके लिए मंथली करंट अफेयर ले आऊँगा एक मई से सॉरी एक मई नहीं एक जून से तीस जून तक के करंट अफेयर होंगे तो इसे जल्द मैं ले आऊँगा आज भी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हो सकता किसी कारणवश मैं बिजी रह गया तो आज भी नहीं आ पाएगा लेकिन जल्द मैं ले आऊँगा जिसमें से एटलीस्ट फिफ्टी प्रश्न वैसे होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हें सेलेक्ट करके आपके लिए लाऊंगा तो आप चैनल पे बने रहें और इसका लाभ उठाएं आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद में कितनी फीसदी तक गिरावट दर्ज की जा सकती है एक सर्वे हुआ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा तो उसमें बताइए आपकी झारखंड का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितनी फीसदी तक गिर सकती है या गिरावट देखा देखा जाएगा ऑप्शन है जीरो प्रतिशत वन पॉइंट सिक्स प्रतिशत फोर पॉइंट फाइव प्रतिशत एंड फाइव प्रतिशत तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है बी ऑप्शन वन पॉइंट सिक्स प्रतिशत का गिरावट देखा जा सकता है आगे मैं बता दूँ इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड के अनुसार भारत का जी डी घटने वाला है और मूडीज एक अमेरिकी संस्थान है इसके अनुसार इस वर्ष भारत का जी ग्रोथ रेट जीरो रहेगा अब एस जी आया था तो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स अस्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट अब चलिए आगे हम देखेंगे हर दिन की तरह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के फाइव पॉइंट्स पाँच वैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो स्पेशली जे एस एस एवं जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स एक जुलाई यानी आज नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है तो आपको मैं बता दूँ देश के सभी डॉक्टरों को सम्मान देने के उद्देश्य से इस दिवस का आयोजन किया जाता है भारत में डॉक्टर्स डे डॉक्टर विधन चंद्र रॉय आप हम हम और आप डॉक्टर बी रॉय से ज़्यादा परिचित हैं तो डॉक्टर बी रॉय के जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर बी रॉय को इनके कार्यों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है तथा यह बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे तथा बहुत से कॉलेजेस बंगाल में ऐसे हैं जो डॉक्टर बी रॉय के नाम से बने हुए अच्छा कन्फ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे एवं अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे अट्ठारह अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे आज के दिन यानी एक जुलाई को मनाया जाता है तो चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेज आ गए तो हम एक बार आखिरी बार ही जून के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद हम जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करना प्रारंभ करेंगे तो चलिए खास खास इंपॉर्टेंट डेज जो जी एस एस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हें मैं आपको मैं सरसरी नज़र से बता देता हूँ तो एक जून को वर्ल्ड मिल्क डे था तीन जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे था पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और विश्व पर्यावरण दिवस का थीम थीम क्या था तो जैव विविधता चौदह जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था और इक्कीस जून को विश्व योगा डे था और विश्व योगा डे का थीम क्या था फ्रेंड्स योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फ्रॉम होम और तेईस जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे और उनतीस जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज इन्हें आप ध्यान रखें एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आगे मैं बता दूँ फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा ने हाल ही में ट्राइब इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है इसके अलावा आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश का उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया हाल ही में भारत ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आगे मैं बता दूँ हाल ही में माइकल मार्टिन कॉन्फ्रेंस याद रखें माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए अब जब बात आयरलैंड की आ गई फ्रेंड्स तो हम देख लेते हैं आयरलैंड की राजधानी कहाँ है तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ की मुद्रा क्या है यूरो या आयरिस पौंड तो चलिए ये तो थे फ्रेंड्स आज के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और इससे पहले हमने देखे हम देखें झारखंड के करंट अफेयर तो चलिए हर दिन की भांति हमने पिछले वीडियो में भी आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था आप सबों ने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर किए मुझे खुशी मिली है कि दिन ब दिन जो एक्सप्लानीशन या कमेंट करने वाले छात्रों का संख्या बढ़ते जा रहा है और हम हमारा परिवार भी बढ़ते जा रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है हमारा मनोबल बढ़ता है तो कुछ कुछ मित्रों ने इस इसका आंसर मिस बाय मिस्टेक थोड़ा गलत हुआ है तो जिनका गलत हुआ है वो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए प्रश्न था फ्रेंड्स विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है तो इसका ऑप्शन है विधानसभा उपाध्यक्ष को राज्यपाल को मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति को तो ज़्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर दिया आंसर क्या है फ्रेंड्स विधानसभा उपाध्यक्ष को चलिए हम देखते हैं वे वे मित्र जि जिन्होंने बेस्ट एक्सप्लानशन दिया है तो बेस्ट एक्सप्लानशन देने वाले हैं राजू यादव बेहतरीन एक्सप्लानशन एज ऑलवेज बेहतरीन एक्सप्लानशन इसके अलावे नीलम वर्मा रश्मि वत्स राजकुमार दांगी एंड एम डी सामी ये वो हैं जिन्होंने काफ़ी अपना समय निकाल के इन बेहतरीन वे में एक्सप्लेन किए हैं प्रश्न को तो फ्रेंड्स जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप एक बार वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स जरूर विजिट किया कीजिए क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत से नॉलेज मिल जाएंगे और एक आपके दिमाग में एक ध्यान रहेगा कि मैं ना ये बात इस जगह पे पढ़ रखा था तो एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हम देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्वेश्चन ऑफ़ द डे देखने से पहले मैं आपके ही एक एक्सप्लानशन को इलेबरेट कर दे रहा हूँ देखिए आपको किस तरह से यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किनें सौंपता है तो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है यह तो यही प्रश्न था आज का इसके अलावा झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे कौन थे तो इंदर सिंह नामधारी थे झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे तो बागुन सुमरई थे यह प्रश्न पूछा जाता है बागुन सुमरई प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके अलावा बता दूं झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे और इनका कार्यकाल क्या था फ्रेंड तो इनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक और हाल ही में मैं एक बात और पूछ रखा था कि कुछ बातें कोरिलेट करके मैं पूछ देता हूं तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से उसे आंसर किया है कि हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रहे वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया तो वे 2003 से 2004 के चार में झारखंड के राज्यपाल थे और कब थे तो जिस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे ठीक है और इसके अलावा इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे हैं तो उन्हें भी आप रिवाइज कर लीजिएगा इसके अलावा ये राजू यादव जी का एक्सप्लानेशन है ये बेहतरीन है इसे भी आप देख सकते हैं एक बात मैं आपसे पूछा था जिसका आंसर सिर्फ राजू यादव जी ही किए हैं ये काफ़ी पेचीदा था लेकिन आप भी जान लीजिए क्या मैं पूछ रखा था मैं पूछा था कि झारखंड में कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड जितने भी ऐप्स लॉन्च हुए आपको जो जो याद है उसे बताइए तो ध्यान रखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है सहायता ऐप है कौन सा है पहला सहायता ऐप दूसरा है बाजार ऐप तीसरा ई पास कोविड नाइन्टीन ऐप चौथा है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे ऐप तो ये इम्पॉर्टेंट है ये ऐप्स के बारे में तो एक प्रश्न होगा ही होगा कोविड नाइन्टीन से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक है चलिए आगे बता दूँ कुछ खास बातें देख लेते हैं तो हाँ वेद मारवा फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड और ये इन गोवा में इनका निधन हो गया था और ये झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले मिजोरम और मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके थे दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके थे चलिए तो ये था ये था ये तो था बेस्ट एक्सप्लानीशन और उसी प्रकार फ्रेंड्स चलिए आप हर दिन की बात ही आज का क्वेश्चन ऑफ़ द डे सी एन एक्ट को कब लागू किया गया ऑप्शन है फ्रेंड्स दस नवंबर उन्नीस शॉर्ट ग्यारह नवंबर उन्नीस सौ शॉट पंद्रह नवंबर उन्नीस शॉर्ट सत्ताईस नवंबर उन्नीस सौ आठ तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इन डिटेल में देना है चलिए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ एटलीस्ट दो तीन पॉइंट्स तो आपको बताने पहली बात तो सी एक्ट का फुल फॉर्म लिखना है दूसरी बात यह कब लागू हुआ तथा इसके लागू होने के पीछे क्या इतिहास रहा है मतलब किस आंदोलन के फलस्वरूप सी एक्ट को लागू किया है ये ये बात मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है इसके अलावा सी एन टी एक्ट के एटलीस्ट दो सेक्शन लिखे दो अनुच्छेद लिखें जो इम्पोर्टेंट है ठीक है आगे मैं बता दूँ कि अभी झारखंड में अगर हाल फिलहाल कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है तो वह फ्रेंड्स झारखंड सचिवालय का और झारखंड सचिवालय के पीटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें पांच सेक्शन होता है सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न सामान्य गणित से 20 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से तीस प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करवा दिया जाए इसी उद्देश्य से जनरल साइंस जिसमें बीस प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं तो आप चैनल पे बने रहें तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या परिजनों को इसका लाभ उठाने के लिए कहिए ठीक है थीके? आगे मैं बता दूँ कि ये तो वह पांच सेक्शन में अभी मैंने बताया झारखंड सचिवालय के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसी तरह झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट है और उसी प्रकार रीजनिंग और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आने वाला है तो फ्रेंड्स इसका भी लाभ उठाइए और इन वीडियोज़ को भी देखिए आपको यहाँ से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे हमें स्टडी फॉर गोल्स टीम को काफ़ी खुशी होगा कि जब आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करके एक आप एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जियेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में हमारा कुछ सहयोग होगा और आप एक अच्छा जॉब हासिल करेंगे हमें खुशी मिलेगी तो फ्रेंड्स बने रहिए पूरे जोश तो और जुनून से तैयारी करते रहिए लगे रहिए तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जय हिंद फ्रेंड्स एंड जय भारत